नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ऑल कबड्डी न्यूज में। आज हम बात करने वाले हैं प्रो कबड्डी सीजन 9 के आज के दिन के होने वाले सेमीफाइनल के बारे में। एंड उसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन के घंटी को ऑल पर कर ले ताकि कबड्डी से जुड़ी सभी अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज 15 दिसंबर को दो सेमीफाइनल मैच होंगे, जो दोनों मुकाबले मुंबई के श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में होंगे, जिसमें पहले मुकाबले में जयपुर पिंक पैथर्स भिड़ेंगे बेंगलुरु बुल्स से। जो जयपुर पिंक पैथर्स इस सीजन के टेबल टॉपर हैं, जो डायरेक्ट सेमीफाइनल में जगह बनाए हुए हैं। एंड वहीं बेंगलुरु बुल्स इस सीजन के टॉप 3 में शामिल है और यह अपना पिछला एलिमिनेटर मैच दबंग दिल्ली को हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनाए हैं, जो आज दोनों टीमों के बीच पहला सेमीफाइनल मैच होगा। जो यह मुकाबला बहुत ही टक्कर का होने वाला है, जिसमें एक तरफ होंगे अर्जुन देसवाल और दूसरी तरफ होंगे भरत हुड्डा, जो दोनों टॉप 10 रेडर्स के लिस्ट में नंबर 1 पर जगह बनाने के लिए भिड़ेंगे। वहीं दूसरे मुकाबले में पुनेरी पल्टन भिड़ेंगे तमिल तलाइवा से टीम से, जो वह मुकाबला वहीं स्टेडियम में शाम को 8:30 बजे से होगा। जो पुनेरी पल्टन की टीम पहले ही सेमीफाइनल में जगह बनाई हुई है, जो इस सीजन के टेबल टॉप 2 में है, जो डायरेक्ट सेमीफाइनल खेल रहे हैं। वहीं दूसरी टीम तमिल तलाइवस इस सीजन के टॉप 5 पर है, जो वह अपना पिछला मुकाबला यूपी योद्धा को बहुत ही रोमांच मैच में हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाए हुए है, जो इन दोनों के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच होगा। जो इसमें से जो टीम जीतेगी वह फाइनल में खेलेगी। जो पहले सेमीफाइनल में से जो भी टीम जीतेगी उसके पास पीकेएल इतिहास का दूसरा खिताब जीतने का मौका होगा। वहीं दूसरे मुकाबले में जो टीम पुनेरी या तमिल तलाइवस जो भी जीतेगी वह प्रो कबड्डी इतिहास में पहली बार खिताब जीत सकती है। आप लोगों को क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।